अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम करता हूं आपका शहजाद ऑफिशियल पे। आज की इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहा हूं हवावे P50 प्रो के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे रिव्यूज़ पहले से ही यूट्यूब पर मौजूद हैं और बहुत सारे वेबसाइट पर डिटेल्स P50 प्रो के बारे में मौजूद है, लेकिन कहीं पर भी मुझे इतनी क्लियरेंस देखने को नहीं मिली। तो ये जो वीडियो बन रही है बहुत ही रिसर्च के साथ और काफ़ी क्लियरेंस के साथ आपको मिलने वाली है, तो आपने वीडियो को एक मिनट के लिए भी स्किप नहीं करना। आज के इस वीडियो में हर चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, वेरिएंट, डिस्प्ले जो है, बिल्डअप इसका, चिपसेट, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, बैटरी, एवरीथिंग। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। और बताता चलूँ कि ये जो वीडियो होने वाली है ये प्रिडिक्शन एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड होने वाली है। इसको आपने अपनी सेहत पर नहीं लेना, आपने इसको सीरियस नहीं लेना। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके वेरिएंट की, तो इसकी जो रैम होने वाली है वो 8 GB या फिर 12 GB होने वाली है। अगर इसकी इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो 128 GB या फिर 256 GB हो सकती है। बैक की अगर मैं बात करूं तो बैक साइड हमें एल्युमिनियम बेस देखने को मिलेगा, फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6.6 इंचज़ का OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि कर्व्ड है। रिफ्रेश रेट की अगर मैं बात करूं तो 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा जो कि इसका जो है नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यहां पर 120Hz भी दिया जा सकता था। 16M कलर्स का यूज़ किया गया है, मल्टी टच सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में कर्व डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर केरिन 1000 यूज़ किया गया है जो कि एक पावरफुल चिपसेट है। यहां पर आपको 5G कनेक्टिविटी का की सपोर्ट मिल जाएगी। फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप लेफ्ट पंच होल दिया गया है, जिसमें मेन कैमरा जो है वो 32 MP का है और जो दूसरा कैमरा है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो सका, मे बी 8 MP का हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पर 4K में ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने वाला, लेकिन आई होप ये करे। उसके बाद बैक कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिला है, जो P50 Pro था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इसके बैक कैमरा में सेटअप दिया गया है। तो यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो 50 MP का है, जो दूसरा कैमरा है अल्ट्रा वाइड वो 40 MP का है। 8 MP के दो कैमरा सेटअप किए गए हैं। उसके बाद डेप्थ सेंसर यूज़ किया गया है, LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाएगी। 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी में ये वीडियो रिकॉर्ड करेगा, मे बी ये 8K में रिकॉर्ड ना करे। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अदर फीचर्स के बारे में, लाइक बैटरी, तो यहाँ पर जो कन्फर्म बताया जा रहा है वो 4500 के नियर या फिर यही एग्जैक्ट mAh बैटरी होने वाली है, और 40W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस मोबाइल में देखने को मिलेगी। कलर्स की अगर मैं बात करूं तो कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, ब्लैक, वाइट एंड स्काईलाइन ब्लू, इन तीनों में से एक या दो कलर्स आ सकते हैं। सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जो इसका सिस्टम बेस करेगा एंड्रॉयड 11 पर बेस करेगा। फिंगरप्रिंट जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा इसका, अंडर डिस्प्ले या इन डिस्प्ले आपको दिया गया है। फेस आईडी P50 Pro के बाद से ज़्यादा तेज़ होने वाली है। डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर P40 Pro से ये स्मॉल साइज़ में आने वाला है। वेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 200 ग्राम प्लस वेट होने वाला है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वेट वाला मोबाइल कैरी करने में मुश्किलात होती हैं। तो मे भी अगर मेरी बात सुनी जाए, यहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा शेयर किया जाए, तो 200 ग्राम से इसका वेट लेस देन होना चाहिए। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड $700 $700 के आसपास इसकी प्राइस होने वाली है। अगर आप एक पाकिस्तानी हो और आपको नहीं पता कि $700 कितने होते हैं, तो आपने जाना है गूगल पर और वहाँ पर सर्च करना है $700 इंटू 168। तो आज जो प्राइस का डॉलर का रेट है तो उससे मल्टीप्लाई करने हैं, तो आपको पाकिस्तान में इसकी प्राइस पता चल जाएगी। लॉन्च की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अप्रैल 2021 में ये मोबाइल लॉन्च होने वाला है। USB यहाँ पर आपको टाइप सी देखने को मिलेगी, 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा, डुअल सिम स्लॉट एंड SD कार्ड स्लॉट भी आपको इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो भाई सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। और तो और एक बात शेयर करता चलूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है मोबाइल्स के बारे में, तो वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपनी नॉलेज को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकें और आपके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।